गाइज मुझे ना डेलुलु हो गया है। इसमें ना मैं बस ऐसे सोचती हूँ कि ये रेसिपी तो देख ली है तो आज बनाऊँगी और वैसे ही बना दूँगी बिल्कुल, और ऐसा होता नहीं है तो फिर मैं दोबारा बनाती हूँ उसको गाइज, क्योंकि मैं सोच तो वही रहती हूँ ना, डेलुलु में होती हूँ हमेशा। खैर जो भी है, ये जो रेसिपी थी आज की कद्दू के फूलों की सब्ज़ी, ये मैंने अरुणाचल में बहुत खाई थी जब मैं अपने हस्बैंड के साथ अरुणाचल थी। वहाँ के लोग पम्पकिन से ज़्यादा पम्पकिन सीड्स और इसके पत्तों की सब्ज़ी और इसके फूल की सब्ज़ी खाती हैं। हालाँकि मम्मी ने बनाई बहुत यम बनी थी, मैंने इसको पकौड़े स्टाइल में बनाया क्योंकि बारिश हो रही थी। आप इसको हेल्दी वे में भी बना सकते हैं, एकदम हरी सब्ज़ी की तरह बनता है जैसे हम उसको धो वगैरह के बनाते हैं। खैर केक में तो मैं इतना ज़्यादा ऑलरेडी मतलब डीमोटिवेटेड थी कि नहीं फ्लफ़ी होगा, तो मैंने उसका वीडियो तक नहीं रिकॉर्ड किया। बट जब वो फ्लफ़ी हुआ तो ओ गॉड, मुझे मतलब ऐसा हो गया मैंने क्यों नहीं रिकॉर्ड किया। उसके बाद शाम तक मुझे दोबारा से वही बीमारी लग गई थी डेलुलु वाली, जिसमें मैंने एक वीडियो देख ली थी, वो आटे से चाप बना ली थी और मुझे चाप पसंद भी नहीं है। बट फिर वही है कि चूल्हा है कि बनाना है, तो फिर बनाया और बन तो वाफी गया, बट जितना इसमें आटा बर्बाद हुआ मुझे लगा कि नहीं बनाना चाहिए था, इससे अच्छा न्यूट्रेला ही खा लूँगी। बट ठीक था, वन टाइम ट्राई बहुत मतलब टेस्टी तो था नो डाउट, बट मेहनत भी बहुत लगी। और इसमें क्या होता है, बस आटे को तब तक पानी से गीला करते रहो जब तक वो एकदम ग्लूटेन उसका अलग ना हो जाए, फिर उसी का बॉईल करके बना दो। वही था फिर रात